लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पेट और दिमाग का बहुत गहरा रिश्ता होता है, वेरी वेरी डीप रिलेशन, समझ गए ना आप? अगर आपका पेट ना होता तो फिर आपके इस दिमाग की क्या जरूरत थी? व्हाट इज द नीड ऑफ योर ब्रेन? लेट मी परफॉर्म माई ड्यूटी। अरे जरा सुनिए तो डॉक्टर साहब, मैं आपके दिमाग की अभी जांच पड़ताल करता हूँ। ये आला खोपड़े पे लगाते तो किसी डॉक्टर को नहीं देखा। लेकिन शेर साहब, आपने मेरे जैसा डॉक्टर भी कभी नहीं देखा होगा। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट ए ऑर्डिनरी डॉक्टर बट एबल वन। लेट मी सी योर ब्रेन परफेक्टली नाउ। वेरी वेरी स्ट्रेंज, बिल्कुल खोखली, एम्प्टी। क्या हुआ? माफ कीजिएगा शेर साहब, या तो आपकी खोपड़ी में कुछ है नहीं या मेरा दिमाग खराब हो गया। तो आप ही का दिमाग खराब हुआ होगा। मैं आया था अपने बेटे विजय के दिमाग के बारे में पूछे और आप मेरी ही जांच पड़ताल करने लगे। माफ कीजिएगा सेठ साहब, मैं बीमारी की जड़ तक पहुंचता हूं और वो जड़ आप हैं। यू आर दी रूट ऑफ एवरी, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अरे लेकिन डॉक्टर साहब, आप जड़ तक पहुंचेंगे तब तक मेरा बेटा कहीं पागल ना हो जाए। उसका पागलपन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सेठ जी, इसमें घबराने की क्या बात है? अगर कहीं लड़का आपका पागल हो भी जाए तो उसे मेरे पास ले आइए। आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? आफ्टर ऑल, आई एम द मेंटल डॉक्टर ऑफ योर होल फैमिली। लीजिए, इसमें से दो गोलियां रोज इस्तेमाल किया कीजिए, एक सुबह एक शाम विद वाटर। ये गोली भी मुझे ही खाना पड़ेगा? नहीं सेठ साहब, ये गोलियां आपके दिल के लिए हैं, क्योंकि दिल आपका बहुत कमजोर है, वेरी वेरी वीक। ज्यादा घबराने से इसके फेल हो जाने का अंदेशा है। आई एम डाउटफुल ऑफ योर हार्ट। मेरी फीस? दिल और घबराने लगा। अरे सरकार, मजरे सरकार, छोटे सरकार गाड़ी लेकर चले गए। गाड़ी लेकर चले गए? कैसे ले गए? जी चला के। ये भी आए हैं हांगकांग से, क्या समझे? मगर पिताजी, आज तो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाना था। अरे हाँ, आज शाम को तो उन्हें टी पार्टी भी देनी है। अबे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी जाकर एक टैक्सी ला, क्या समझे? जी टैक्सी, टैक्सी। हेलो, कौन? प्रिंसिपल साहब जी, मैं सेठी का बड़ा लड़का हूँ। जी हाँ जी जी जी, हड़ताल? हड़ताल?
क्या मिल में? जी नहीं, विजय के कॉलेज में। ये प्रिंसिपल साहब का फोन था। विजय ने कॉलेज में हड़ताल करवा दी है और अब लड़कों का लीडर बनकर भाषण दे रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा कॉलेज है। कॉलेज है यहाँ हर पढ़ने वाले विद्यार्थी को फीस देनी पड़ती है। फीस देनी पड़ती है। बट परंतु लेकिन किंतु ये विद्यार्थी गरीब है। गरीब है। 6 महीने से फीस नहीं दे सका। फीस नहीं दे सका। इसीलिए इसका नाम काट दिया गया। क्या ये ठीक है? नहीं। क्या ये दुरुस्त है? नहीं। तो अगर इस गरीब विद्यार्थी श्री सरजू प्रसाद पांडे मार्कंडे को फिर से कॉलेज में वापस नहीं लिया गया तो हम सब मिलकर हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। हम सब मिलकर भूख हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे। हम सब मिलकर सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे। छत्रियां लेकर जुलूस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जुलूस निकालेंगे। बोलो, जुलूस प्रसाद पांडे की जय। छत्री प्रसाद पांडे की जय। हड़ताल प्रसाद पांडे की जय। स्टूडेंट यूनिटी की जय। जुलूस प्रसाद पांडे की जय। स्टूडेंट यूनिटी की जय। स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद। जुलूस प्रसाद पांडे की जय। छत्री प्रसाद पांडे की जय। स्टूडेंट यूनियन की जय। स्टूडेंट यूनियन की जय। विजय की जय। आज विजय की जय। स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद। स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद। अरे मेरी गाड़ी जिंदाबाद। अरे मेरी गाड़ी जिंदाबाद। पिताजी जिंदाबाद। पिताजी जिंदाबाद। पिताजी जिंदाबाद। कितनी फीस बाकी है उस लड़के की? अजी 120 रुपए। 120 ये लीजिए। थैंक यू सर। रसी, आप जैसे और लोग भी गरीबों का ख्याल। अजी गोली मारिए गरीबों को। 120 रुपए के लिए मेरी 32,000 की गाड़ी का बिल्कुल कचुंबर निकाला जा रहा है। आपका पूरा कॉलेज उस पर सवार है, क्या समझे? जी ये रही आपकी रसीद। नमस्ते सेठ जी। एक मिनट है। देखिए, आपके बेटे विजय ने आज कॉलेज में जो हंगामा किया उसके बाद वो यहाँ नहीं पढ़ सकेगा। यानी विजय का नाम काट दिया जाएगा। यानी आप उसे कॉलेज से निकाल देंगे? जी हाँ। मुझे अफसोस है लेकिन मैं मजबूर हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। क्या समझे? नहीं समझे। अजी इतनी पढ़ाई करने के बाद तुम हड़ताल करना सीख गया। अगर ज्यादा पढ़ लेगा तो मजदूरों का लीडर बन जाएगा। अजी भगवान की कृपा से मैं भी 2 मिल और 4 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ। क्या समझे? आज मेरा मन फूला फूला रे, कॉलेजवा छूटो जाए रे। तो जनाब गाना गाते हैं। शर्म तो नहीं आती? कॉलेज से निकाल दिएगा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए बड़े भैया। क्यों? अगर मैं भी तुम्हारी तरह बीए में सिर्फ 5 साल और एमए में सिर्फ 10 साल गुजार देता तो कमाई इन सेठों की जेब में नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं, तुम लोग सब गधे हो। तुम लोग को नारा लगाते नहीं आता? रामू काम नहीं करेगा। रहीम यही बैठेगा। ए पापा यही रहेगा। हम लोग सब मिलकर हड़ताल करेंगे। हड़ताल करेंगे। तुम लोग सब उठो, भीतर जाओ। सब भीतर जाओ, भीतर जाओ। चलो 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 चलो। अरे सब कहाँ मर गए? हम मर जाएंगे मगर अपना हक लेके रहेंगे। तुम लोग सब भीतर चलो। क्यों, क्या हुआ रामू? आया सरकार। अरे खाना जल्दी ला। आया सरकार। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। देर तो जरूर हो गई लेकिन खाना खा के याद रखते लखनऊ और बम्बई से बावर्ची मंगवाए हैं। सरकार राम कहाँ है? रहीम के पास। रहीम कहाँ है? गोपाल के पास। गोपाल लखनऊ वाले बाबरची के पास और लखनऊ वाला बम्बई वाले के पास। मगर वो सब है कहाँ? अलमारी में बंद है। मेरा मतलब है ताले में बंद है। सीतरा को नहीं कहता? बात क्या है? सब नौकर लोग मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग? आपकी तरह। बात यह है वो लोग हड़ताल करने वाले हैं। हड़ताल हड़ताल। सेठ लालचंद, तुम्हारा घर का नौकर हो तो हड़ताल करने लगे। मेरा तो 50,000 का शेयर आपकी फैक्ट्री में है। आप बिल्कुल बेफिकर रहिए सेठ मोटर भाई तार भाई, मेरे फैक्ट्री और मिल के एक एक आदमी वफादार है। जैसा कि मैं। ए बाबा जी,
मोटर नु टायर मा पंचर पड़ू तो बीजू टायर भाई बदली नाखो। छोकरो बहुत चालक छे गन्नोज राजन से एना पगार मा 10 रुपया नो वधारो करी नाखा। भाई लालचंद वाकई खाना देख करके तो मुंह में पानी आ गया। खाने के बाद आंख में भी पानी आ जाएगा जी। चुप रहो। ये तो कुछ भी नहीं है सेठ हनुमान प्रसाद जी, खाना मैंने दिल्ली में आपके यहाँ खाया था। मेरा दांत गया। ठीक तरह से नहीं पका, ये जरूर उस बंबई वाले बबरची का काम है जहाँ पैसे वाले लोग दाना रहते हैं। मर गया मर गया मर गया मर गया मुझे गया मर गया चल गया चल गया चल गया। अरे क्या हुआ? पानी 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 क्या हुआ? नहीं मर गया मर गया पानी क्या पानी पानी क्या पानी पानी। अरे 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 मिर्ची 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 माफ कीजिएगा मुझे बहुत सा अफसोस है। मैं अभी आपके लिए ताजा खाना लेकर आता हूँ। आप क्यों तकलीफ करते हैं सरकार? जब हम हैं तो क्या गम है? मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ताजा खाना लेकर आता हूँ। ताजा बिल्कुल राम राम क्या नाम है? माफ कीजिएगा एकदम बिल्कुल माफ कीजिएगा इतनी जल्दी में इससे ताजा खाना और कुछ नहीं मिल सका। लो बाबा लो सेठ जी बस कमी। कौन है ये बंदर का बच्चा? बंदर का बच्चा? हनुमान जी आपके लिए केला और अमरूद लाऊं? बेवकूफ हेल्प हेल्प किड किड फॉर माय किड राइट ब्रो हेल्प हेल्प। दादी अब आप खाना खा लीजिए। अरे कैसे खाना खाऊं? इस विजय ने तो मेरा खाना पीना बिल्कुल हराम कर दिया। वो मेरा बेटा नहीं पिछले जन्म का दुश्मन है। दुश्मन क्या समझी? मेरी समझ से तो बाबूजी आप लल्ला की शादी कर दीजिए। घर गृहस्थी के बंधन में पड़ते ही ठीक हो जाएंगे। ठीक ठीक तुमने बिल्कुल सही कहा बहू। मैं अपने बाग का माली संभो। माफ करना पंडित जी, मैंने सोचा जमीन पर पानी देने से पौधे उगाते हैं, आपके सर पर बाल उगाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम समझेंगे आज दो बार स्नान हो गया। क्यों भैया तुम यहाँ के माली हो क्या? माली भी हूँ और मालिक भी हूँ, ये सारा बाग अपना ही तो लगाया हुआ है। मगर बात क्या है? और बात ये है कि हम शादी की बात करने आए हैं। शादी की बात इस उम्र में? अरे शिव संभो हम तो ब्रह्मचारी हैं। वो शेर जी के छोटे लड़के हैं ना। कौन? विजय बाबू? वो तेरी वो तो बाहर गए हैं। सुनो भाई बात ये है कि लड़की वालों से बात करने से पहले लड़के की बाबत कुछ जानकारी कर ले। मतलब प्राइवेट है? बता दूंगा अगर अवश्य। वैसे तो विजय बाबू दूर से ठीक ही लगते हैं, मगर पास से किसी से कहिएगा नहीं, उनकी एक आंख नकली है, कांच की बनी हुई। खैर कन्या को पति की आंख से क्या काम है? और चाल चलन तो अच्छे हैं ना? बता दूंगा अगर अवश्य। वैसे तो वो बड़े ही भले मानस है, बस कभी कभी जरा प्याज खा लेते हैं। प्याज? पंडित जी मटन मुर्गी खाने वाले को तो प्याज की जरूरत पड़ती है। शेव संभो मांस इत्यादि भी खाते हैं। थर्रा चढ़ाने वाले को तो गोश्त की जरूरत पड़ती है पंडित जी। शिव संभो तो विजय बाबू मदिरा भी सेवन करते हैं। देवदास थोड़े ही है, वो भी जब कभी महीने में एक आध बार गाना सुनने चले गए तो। देव संभव। वो भी जब कभी रेस में डबल टोट या ट्रिपल टोट लग गया तो। रेस जुआ? बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहेगा, जब कभी कड़की पड़ जाती है तो अपने बाप की तिजोरी भी साफ कर देते हैं। तिजोरी? पंडित जी। अरे
मैं अपने बाग का माली, मोरी उमरिया बाली बाली, मोरी उमरिया। Elvis Presley, love me tender, love me long, make my dreams fulfilled. बहन, अब तो भगवान की दया से बाल सफेद होने को आए तुम्हारे। अब न लड़का मिलेगा न शादी होगी, ये फितूर निकाल दो दिमाग से। बस फिर कभी ऐसी बात ना करना, मैं तुम्हारी वजह से आज तक कुंवारी रह गई। इसमें मेरा नहीं भगवान का दोष है, वो तुम्हारी पसंद का लड़का बनाना ही भूल गए। आज तक कम से कम 250 लड़कों को तो तुमने नापसंद किया होगा। तो क्या, अभी तो मैंने 28वें साल में ही कदम रखा है। 48 साल का तो मैं हो गया हूँ, और जहाँ तक मुझे याद है तुम मुझसे 2 ही साल तो छोटी थी। रबिश, विलायत में तो औरतें 40 साल के बाद ही शादी करती हैं। और हिंदुस्तान में 40 साल की औरत दादी नानी और सास बन जाती है। तुम भी बनने वाली हो। क्या मतलब? मतलब चचिया सास, मैं सेठ लालचंद जी के लड़के के साथ आशा की शादी तय करने जा रहा हूँ। आशा की शादी? पर वो तो अभी बच्ची है। आओ सिखा।
थैंक यू। सेठ जीवनदास की इकलौती बेटी थी। समझ गया समझ गया। उसकी इकलौती बेटी के साथ उसका बाप और उसके बाप के साथ उसकी दौलत सब अपने पॉकेट में आ जानी चाहिए। सब अपनी पॉकेट में आ जाना चाहिए। लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम और पिताजी मुझे सेठ जीवनदास के पास अकेला छोड़ देना। क्यों? नहीं तो मैं तुम दोनों के सामने नर्वस हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा, मगर तुमने वहां कुछ गड़बड़ की तो? ऐसा कभी हो सकता है? अच्छा अच्छा, ये बाल्टी करो और गड़बड़ मत करना। नहीं करूंगा, कभी करूंगा नहीं। अजी सेठ जीवनदास जी, यो बिजनेस का संबंध तो हमारा और आपका बहुत पुराना है। आपकी बेटी मेरे घर में बहू बन के आ गई तो रिश्ता पुष्ट दर पुष्ट का हो जाएगा। ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा सेठ लालचंद जी। इकलौती बेटी है मेरी, मैं तो सिर्फ उसे सुखी देखना चाहता हूँ। अब सेठ जी, मैं लड़के का बाप हूँ, अपने मुंह से क्या तारीफ करूँ, आप खुद ही अजमा लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि वो लड़का है जरा 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 शरारती। विजय, आप हैं सेठ जीवनदास जी। प्रणाम। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो जियो। उठो उठो उठो, बैठो बैठो बैठो, आप दोनों बातचीत कीजिए, मैं अभी आया। बेटा विजय जी, तुम ये जानते होगे कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे देखने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि मैं आपकी बेटी से शादी करने लायक हूँ या नहीं। नहीं नहीं, ये बात नहीं, ये बात नहीं। क्यों नहीं क्यों नहीं? दुकानदार माल टोल के देखता है, कथाई बकरे को टटोल के देखता है, मारवाड़ी तिजोरी खोल के देखता है, फिर आप क्यों नहीं अपने होने वाले दामाद को अच्छी तरह से देखे? देखिए दांत बिना का स्पेशल, देखिए मसूर, नाम विजयचंद, बाप का नाम लालचंद, बाप के बाप का नाम ध्यानचंद, बाप के बाप के बाप का नाम हुकुमचंद, जो म्युनिसिपैलिटी में दरोगा थे। तुम तो काफी मजाकिया मालूम होते हो। और ये तो सही, बस अभी चुपचाप देखते जाइए, अपनी चाल ढाल दिखाता हूँ, देखिए। कैसी रही? एक और नमूना, देख ली चाल, बाकी रही ढाल, जो बिना तलवार के दिखाई नहीं जाती है, बिना तलवार के, बिना तलवार के दिखाई नहीं जाती है, बिना तल आई, बिना तल आई, बिना तल आए, मुझे नाचना भी आता है। तो फिर ये क्या था? ये तो सिर्फ चाल थी, अब कथक देखिए। मजाक की भी हद होती है। कोई बात नहीं, हम गंभीरता से बातें करेंगे। अब आप अपनी लड़की के बारे में बतलाइए, क्या वो कानी है? कानी चलेगी, लूली है चलेगी, लंगड़ी है चलेगी, यानी कि उसमें दुनिया भर के ऐब हो तो भी चलेगी। बशर्ते कि आप 1,00,000 रुपया दहेज में दे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, पिताजी होते तो आपसे 2,00,000 मांगते, बड़े भैया का सौदा उन्होंने 50,000 में किया था। क्या 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 किया था? सौदा यानी कि शादी। ये सेठ जीवनदास जी, देख लिया विजय को? है सेठ जी, अरे ये क्या हुआ? सेठ लालचंद जी, ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ पिताजी, सेठ जीवनदास जी बिजनेस में जरा कच्चे हैं, मैंने कहा 1,00,000 रुपए में सौदा होगा। सौदा? कैसा सौदा? मेरी शादी का, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। ये लड़के बेचने का धंधा छोड़कर तुम इस पागल को पागल खाने भेजो, पागल खाने।
खर्चा मैं दूंगा। अब की आपने बिजनेस मैनेजर जीवन दास जी। भैया ईमान से कहना, बातचीत में कोई कमी तो नहीं रही? कमी सिर्फ इतनी नहीं, सेठ जीवन दास जी ने मेरे मुंह पर थूका नहीं, आज तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला। मगर पिताजी इज्जत बड़ी है या दौलत? मारा तुमने मुझे? मारा? निकल जा यहाँ से। तू मेरा बेटा नहीं, पिछले जन्म का दुश्मन है। पिताजी अब मैं तेरी सूरत में नहीं देखना चाहता। आपका दिल कमजोर है। चुप। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब मैं तुझे इस घर में एक मिनट भी नहीं रहने देना चाहता। अच्छा जाता हूँ, हमेशा के लिए जाता हूँ, मगर याद रखना मेरे जाने के बाद इस घर में ऐसा लगेगा जैसे फ्यूज उड़ गया, अंधेरे में लालटेन लेकर बैठे रहना। माँ मैं जा रहा, एक तुम्ही थी जिस दुनिया में मेरा दुख दर्द समझती थी, और ये एक मेरा बाप है जो मुझे तबाह करने पर तुला हुआ है। तुम तो इनसे तंग आकर दुनिया को छोड़कर चली गई, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। आखिर मैं तुम्हारा ही तो बेटा हूं, है ना? अच्छा माँ किससे बातें कर रहा है? मेरी माँ के साथ। ये सब क्या ले रहा है? साड़ी बनाने का सामान और ये मेरी माँ की निशानी। तो जाने की तैयारी? हाँ। अरे जा जा, जब भूखो मरेगा तो दो दिन में आटे चावल का भाव मालूम हो जाएगा। क्या समझी विजय की माँ? बॉम्बे जाने का है। 19 रुपए 19 नए पैसे। कुछ कम नहीं हो सकता? आगे 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 बढ़ो। अरे आगे बढ़ो। अरे आगे बढ़ूं कैसे, इधर इंजन, इधर बेबी इंजन। क्या कहा? इंजन बोलता है? अरे तू है यहाँ से? देर टिकट अलाहाबाद। एक टिकट? हाँ, आधा मेरा एक मुन्ने का। नहीं नहीं, एक मेरा आधा मुन्ने का। उम्र है उसकी? उम्र 11 साल 2 महीने 1 दिन। लो टिकट। ला आइसक्रीम खाने को। आइसक्रीम? अरे मेरे लाल तू तो एक आइसक्रीम खा के क्या करेगा, ये ले दो आइसक्रीम का। बोलो कुछ कुछ मैं सामान लेके आई। चार आइसक्रीम देना। चार आइसक्रीम? अरे बाप रे, एक मुझे दो दे। तुम तो दूंगा, तुमने मेरे तो धक्का क्यों मारा था? अच्छा भी धक्का नहीं मारा। एक दो चार आइसक्रीम दे। चार आइसक्रीम? तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे तो मेरा नाम मुन्ना है। जानते हो मेरा असल नाम क्या है? क्या है? भोपू। भोपू? हाँ भोपू। वाह 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 वाह, कितना प्यारा नाम है भोपू। तुम्हें मिठाई बहुत अच्छी लगती है। बहुत। रसगुल्ला खाओगे? गुलाब जामुन खाओगे? इमरती खाओगे? पेड़ा खाओगे? बम्बई का हाफ टिकट? हाँ हाफ टिकट।
बच्चे तुम क्या बम्बई अकेले जा रहे हो? तुम उनको आप टिकट क्यों ना मालूम होते हो घर से भाग कर आए हो? हमारे साथ कोई नहीं है क्या? नहीं। मैं जो हूँ इसका चाचा, जल्दी करो। चाचा? मेरा बाप तो अपने बाप का इकलौता बेटा था, फिर तुम कहाँ से टपक पड़े? मैं तुम्हारे बाप का कजन हूँ, अफ्रीका से आया हूँ। अफ्रीकन चाचा? चलो जल्दी करो, जल्दी टिकट दो। कितने पैसे हुए? चलो पैसे मैं दे दूंगा, पैसे मैं दूंगा। अच्छा एक टिकट मुझे दो बम्बई के, जल्दी जल्दी चलो। अरे ठहरो, क्यों चाचा? मेरा जूता है जापानी, आले निन्नी मामा निन्नी। चाचा तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ तुम जा रहे हो बेटा। चाचा मैं तो बम्बई जा रहा हूँ। अरे वाह, मैं भी बम्बई जा रहा हूँ। चाचा तुम्हारा नाम क्या है? राजा बाबू। मेरा नाम मुन्ना बाबू। ओ मुन्ना बाबू, ये तुमने लॉलीपॉप किसने लिया है? ये मैंने खरीदा तुम्हारे की चाल। अच्छा और भी है तुम्हारे पास? हाँ है। खाओगे? मैं निकाल लेता हूँ। इधर नहीं, इधर। आ रहे थे स्कूल से रस्ते में, हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या? अम्मा चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। चील चील चिल्ला के कजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ऐ चील चील चिल्ला के कजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। चली जाती है रेल, छुक 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 चली जाती है रेल। छुप 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 तोता मैना का मेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल। प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल, थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सूट थोड़ा तेल। अरे छुपाए हैं चिरागे अलादीन, तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन, तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन। जरा नाप जरा तोल, इसे लूट उसे छीन। अरे अरे चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे बाबा बाबा, अरे बाबा बाबा, अरे बाबा बाबा, हे लक्कू बक्कू लक्कू बक्कू बक्कू लक्कू बक्कू लक्कू बक्कू लक्कू बक्कू लक्कू। कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल,
किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, कहीं ढोल कहीं पोल सीधी बात टेढ़ी चाल। अरे रे अरे के गजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे बाबा मन की आंखें खोल। टिकट, ये क्या है? अंगूठा। टिकट निकालो नहीं तो पुलिस के हवाले करते। ये तो सुनिए तो, हम कान में बोलेंगे। मुन्ना मुन्ना तू अपना टिकट इन्हें दिखा, ये तुझे मिठाई देंगे। सच्ची तू मुझे मिठाई दोगे? हाँ हाँ बाबा देंगे। ये लो। पर ये तो हाफ टिकट है। तो कोई बात नहीं, आप चार्ज कर लीजिए। अरे मेरा पर्स, मुन्ना मेरा कोई पर्स ले गया, उसमें मेरा टिकट भी था। मिठाई दो। छोड़ना। वाह बहुत खूब, आप जैसे 420 रोज में एक साथ का पर्स गायब, दूसरा गर्दन का हाफ टिकट। चले 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 चले। माँ बाप है? रो मत। सुनो, मुंबई जाकर किसके साथ रहोगी? तुम्हारे साथ। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, कूदूंगा, हंसूंगा, रोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और मैं तुमको गाना भी सुनाऊंगा। झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अले बा बा बा, अले बा बा बा, अले बा। अरे मुन्ना, तुम्हें
जल्दी उठो, मैं कहाँ हूँ, 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 तुम इतने डरपोक हो? मुझे बिजली की आवाज से डर लगता है, उसकी आवाज सुन के मैं बेहोश हो जाता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं मुन्ना, अब तुम सो जाओ, एक गुड बॉय। मुन्ना, तुम जाओ। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज दूंगा। तुम जाओ ना। आओ ना। ए, आओ। चलो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कौन है आप? बिना इजाजत मेरे कंपास पहनने कैसे आए? माफ कीजिएगा, मैं मुन्ने का चाचा हूँ। नहीं नहीं, मैं इसका चाचा हूँ। इसका थोड़ा सा दिमाग खराब, इलाज के लिए बम्बई ले जा रहा हूँ। ये रात भर आपके कंपार्टमेंट में? जी हाँ। और मैं इसको सारी रात ट्रेन में ढूंढता रहा, माफ कीजिएगा। चलो मुन्ना। नहीं, चलो ना। हाँ मुन्ना, लाइक गुड बॉय, चलो अपने घर। चलो मुन्ना, नहीं। चलो, नहीं। चलो। ये मुझे मारना है। चलो, चलो मुन्ना। देखिए ठहरिए ठहरिए मुन्ना। चलो। तशरीफ रखिए, आप अकेले ही सफर कर रही हैं? जी हाँ। आप बम्बई में रहती हैं? जी नहीं, मैं कुछ चैरिटी शो करने जा रही हूँ। ओह, कोई मॉडर्न सोसाइटी गर्ल। मेरा मतलब है कि बम्बई में तो मुलाकात होगी। क्यों? वाह, हम भी तो आएंगे आपका शो देखने, बुलाइएगा ना। जब शो होगा तो टिकट लेकर आ जाइएगा। लेकिन मुझे आपका नाम तो मालूम ही नहीं। रजनी। बड़ा प्यारा नाम, मुझे राजा बाबू कहते। बड़ा चीप नाम है। जी करते क्या है आप? यही हीरे जवाहरात का बिजनेस करता हूँ, कभी जरूरत पड़े तो जरूर। क्यों चाचा, मेरी जेब में हीरे है क्या? शायद कोई स्टेशन आ गया है। चाचा कौन सा? राजा बाबू जी, क्या आप एक तकलीफ कीजिएगा? फरमाइए। जरा डाइनिंग कार में जाके नाश्ते के लिए कह दीजिए। जरूर जरूर, नहीं मालूम फिर कभी आपके साथ नाश्ता करने का मौका मिले या ना मिले। चाचा चाचा, मैं तुम्हारे साथ ऑमलेट खाऊंगा। अच्छा अच्छा। हेलो डैडी, मिल गया हीरा? हाँ मिल गया, तुम्हारे पास कुछ पैसा है? क्यों? लाओ। ये लो, बात क्या है? तुम मोटर स्टार्ट करके रखो, मैं अभी आता हूँ, जाओ। अच्छा। सोचा था बच के निकल जाए। आप चार्ज कर लीजिए ना। और आपका पागल भतीजा? हाँ उसका भी ले लीजिए। बड़ा अपने आप को होशियार समझता था। जल्दी करिए। आज तो कोई सामान नहीं है। चलो मुन्ना। चलो ना। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कैसे जाओगे? आपने मुन्ना की देखभाल की, उसका शुक्रिया। चलो सुनिए सुनिए। हाँ चाचा, भतीजे की बातों में मत आइए, समझी? तो निकालो। क्या निकालो? मैं नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है, जल्दी निकालो नहीं तो बोली मत। Thank
किलो लाखों पाए। सेठ जी, ए सेठ जी, कैसे हैं ये? कोई नौकरी मिलेगी? छोटी या बड़ी? जो भी आप दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। ये चलेगी? ये क्या? तुम्हें टोकरी चाहिए ना? टोकरी नहीं, मुझे नौकरी चाहिए। क्या? मुझे नौकरी चाहिए, जरा समझा दो। क्या? छोकरी? बदमाश तुझे समझे? छोकरी चाहिए? तुझे छोकरी चाहिए? बदमाश? क्या हुआ? कहता है छोकरी चाहिए। तो दे क्यों नहीं देते? जरा जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली, अर्जेंट है, अभी तैयार कर दो। रजनी देवी वैरायटी प्रोग्राम, रजनी देवी मुन्ना। कैसे छिपोगे अब तुम, कैसे छिपोगे? और चलो ने साजना काटे ना भाई। छोकरा इधर सर, इस सांप का सूट तुमने प्रेस किया? इधर सर, हाँ 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 हाँ, क्या कपड़ा है? अमेरिकन फॉल, अमेरिकन फॉल। यस सर, टर्न प्लीज। सर ये तो वॉटरफॉल हो गया। शैम हॉल का बच्चा, इसका डायमंड तुम्हारा भाग भरेगा। नो सर। व्हाट? यस सर, यस सर का बच्चा। राइट आउट। क्यों भैया नौकरी मिली? अरे भाई सुनता ही नहीं, बड़ा अकड़ू टाइप का आदमी है, साफ ना बोल दिया। भैया जो भी अंदर जाता है फौरन बाहर चला आता है, नौकरी मिलेगी या नहीं? अरे भाई सेठ जी के या किसी बड़े आदमी के दूर के रिश्ते में से भी होते तो नौकरी यूं मिल जाते। हमें कैसे नौकरी मिलेगी? कुछ माल ढीला करो, कुछ मस्का लगाओ। क्या लगाओ? मस्का यानी के मक्खन। अरे वाह, बम्बई में रहते और ये भी नहीं जानते कि मस्का क्या होता है? मस्का 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 मस्का। नमस्ते। नाम? नमस्ते जी। नाम? विजय चंद। बाप का नाम? बाप का नाम प्राइवेट है। प्राइवेट जी? बाप के बाप का नाम ध्यानचंद और बाप के बाप के बाप का नाम हुकुमचंद। फिर बाप का नाम? मैंने कह दिया ना, बाप का नाम प्राइवेट है। ओ प्राइवेट, कहाँ तक पढ़े लिखे हो? जी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने वाला था मगर गए नहीं। जी पिछला तजुर्बा क्या है? किस बात का? नौकरी का? और किस बात का? नौकरी का? जी जी बहुत ही अच्छा तजुर्बा है मगर जरा प्राइवेट है। आई सी, बाप प्राइवेट, तजुर्बा प्राइवेट, मतलब के सभी कुछ प्राइवेट। जी अगर तुम्हें ऐसी कौन सी खूबी है तो तुम्हें नौकरी दी जाए। जी मैं लाया हूं। क्या लाया? एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखिए। अरे अरे ये क्या कर रहा हूं? जी मस्का लगा रहा हूं। अरे ले लो जी ले लो, है ये दिल का हीरा सच्चा, न पक्का है न कच्चा, है माल सबसे अच्छा, मैं असली फेरी वालों को जाने बच्चा बच्चा। अरे ले लो जी ले लो, है ये दिल का हीरा सच्चा, दिलाओ दिलाओ दिलाओ। आसमान पे छिटका था ये बनके मंगल तारा, अरे
आसमान पे छिटका था ये बनके मंगल तारा, मेरी नजर पड़ी और मैंने फौरन रॉकेट मारा। आज लाया हूँ मैं कमुनिया, लाया हूँ मैं खास आपके लिए ये तोहफा प्यारा। आज प्यार में जान भी दे सकता है हिंदुस्तानी बच्चा। अरे लैलो जी लैलो है ये दिल का हीरा सच्चा, न पक्का है न कच्चा है माल सबसे अच्छा, मैं असली फेरे वाला मुझको जाने बच्चा बच्चा। अरे ले लो जी ले लो है ये दिल का हीरा सच्चा, दिला 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 ले जाकर डेमोंस्ट्रेशन दे सकते हैं। शौक से मगर इसकी कीमत डिपॉजिट करनी होगी। ओह श्योर श्योर। ये है मेरा कार्ड, इस टेप रिकॉर्डर को ले जाकर मेरी बेटी को अच्छी तरह समझा देना। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने आपको कहीं देखा होगा। ये रुपया कितना डिपॉजिट करना है? मैनेजर के पास। आइए मेरे साथ। हेलो लिली। हाँ देखो जिसके पास वो हीरा है वो मिल गया है। भेज रहा हूँ टेप रिकॉर्डर लेकर। अच्छा बहुत अच्छा। मेरे ख्याल में हीरा उसकी हिप पॉकेट में। हिप पॉकेट में? हाँ हाँ, पतलून के पीछे जो हिप पॉकेट होती है ना उसमें। जिस तरह भी हो सके उससे वो हीरा निकाल लेना, समझी? ऑल राइट, डोंट वरी डार्लिंग। मेरे ख्याल में वो आ ही गया है। ऑल राइट डार्लिंग। गुड इवनिंग मैडम, मुझे आपके डैडी ने भेजा है। टेप रिकॉर्डर। थैंक यू। ले आओ। कहाँ रखे? क्या रखो? जाओ। प्लग किधर है? प्लग? प्लग? ओ ये क्या? ओह थैंक यू। आपका हेड। माफ कीजिए, आप जरा दूर रहिए, शॉक लगता है। लेकिन मुझे भी तो देखना है कि आप क्या करते हैं। मैडम अब मैं आपको चलाना सिखाता हूँ। इसमें कुछ रिकॉर्डिंग है? हाँ हाँ, इंग्लिश म्यूजिक। इंग्लिश म्यूजिक? आई लव इंग्लिश मैडम। जरा दूसरा भी। थैंक यू।
मैडम से बुद्धि नहीं लगती है। अब आप कुछ बोलिए, मैं आपकी आवाज रिकॉर्ड करूंगा। मेरे मतलब है डैडी डार्लिंग। सब कुछ समझा दिए? यस सर। अब तुम जा सकते हैं। यस सर। मैनेजर साहब को बोलना कि हम एक दो दिन से ट्रायल के लिए रखें। वेरी गुड सर। चॉकलेट फिर हमें धोखा दे गया। मालूम होता है कि उसने अपनी हीरा कहीं छुपा कर रखा हुआ। इस कंबख्त ने तो हमें परेशान कर दिया। कितनी तकलीफ से तुम जबलपुर से हीरा लाए, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी, मगर मेरे माफ कीजिए मेरा हाथ। माफ करना। वो मेरे पीछे हाथ धो पड़ा है, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे। वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे। वो एक निगाह क्या मिली तबीयतें मचल गईं, वो एक निगाह क्या मिली तबीयतें मचल गईं। जरा वो मुस्कुरा दिए शमाएं जैसे जल गईं, जरा वो मुस्कुरा दिए शमाएं जैसे जल गईं। वो एक निगाह क्या मिली तबीयतें मचल गईं, वो एक निगाह क्या मिली तबीयतें मचल गईं। कब से दिल को इस घड़ी का इंतजार था, शाम सहर मेरा प्यार बेकरार था। कब से दिल को इस घड़ी का इंतजार था, शाम सहर मेरा प्यार बेकरार था। हे सितारा वो चमक उठा तो किस्मतें बदल गई, सितारा वो चमक उठा तो किस्मतें बदल गई। वो एक निगाह क्या मिली तबीयतें मचल गईं, वो एक निगाह क्या मिली तबीयतें मचल गईं। एक दर्द था, क्या बताऊं दिल को मेरे कैसा मर्ज था। मीठा मीठा लाइलाज एक दर्द था, क्या बताऊं दिल को मेरे कैसा मर्ज था। हे हे मरीज इश्क जी सकेंगे हालतें संभल गई, मरीज इश्क जी सकेंगे हालतें संभल गई। वो एक निगाह क्या मिली तबीयतें मचल गई, वो एक निगाह क्या मिली तबीयतें मचल गई। फिराक यार में कैसी बेकसी, कैसे पास आए राह सूझती न थी। फिराक यार में कैसी बेकसी, कैसे पास आए राह सूझती न थी।
तेरा हजार शुक्रिया मुसीबतें वो टल गई, तेरा हजार शुक्रिया मुसीबतें वो टल गई। वो एक निगाह क्या मिली तभी यतीम चल गई, वो एक निगाह क्या मिली तभी यतीम चल गई। जरा वो मुस्कुरा दिए शमाए जैसे जल गई, जरा वो मुस्कुरा दिए शमाए जैसे जल गई। वो एक निगाह क्या मिली तभी यतीम चल गई, वो एक निगाह क्या मिली तभी यतीम चल गई। शो देख के मेरी तबियत भड़क उठी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बॉस, वो तो दोनों बाहर के आदमी थे, ना जाने कंबख्त कहाँ से टपक पड़ी। कहाँ गए वो दो आदमी? वो दोनों आदमी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मेरे तो सत्यानाश करके चले गए, आज से तुम लोग का छुट्टा। छुट्टा? ओके कोई परवाह नहीं है, आइए पेमेंट कल लेके जाइए। हमारा पेमेंट कल भी बना था, कल आना। हम लोग तो इधर आए ही नहीं, हमको कैश मार्ट मिल गया है रजनी देवी का उधर। चलो भाई लोग खाजा भाई लेके तैयार, कल रिहर्सल के लिए उधर ही आना। चलो चलूंगा। अच्छा अच्छा
नहीं नहीं तुम मुझसे शादी करना। ए मुल्ला, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। कितने से खाए तुमने सब कुछ? मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। बेचारा पागल है मुन्ना। रोते नहीं मुन्ना। अच्छा बाबा, मैं तुझसे शादी करूंगी। वाह 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 वाह, तुम कितनी अच्छी हो। हम शादी करेंगे, तुम दुल्हन बनोगी, मैं दूल्हा बनूंगा। पागल के हाथ में उस तरह के मरना है क्या? क्या? हेलो जी, नहीं बेबी जी कह रही थी। बेबी जी क्या कहूँ? नत्थू ये उठाकर ले जाओ। नहीं नहीं, मैं दूध जो पीऊंगा। शट अप, मेरा शक अब यकीन में बदल गया है। मैं तुम्हें पागल बच्चा समझती थी। राम राम, ना तुम पागल हो ना तुम बच्चे हो। मेरी तरफ देखो, तुमने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने बच्चा बनकर मुझे बेवकूफ बनाया है। बनाया? तुमने मुझसे झूठ बोला है। बोला, मगर मैं मुसीबत में था, मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मैं पागल न बनता तो मुझे ट्रेन में कौन सफर करने देता? अगर मैं सच बोलता तुम मेरी मदद करती? नहीं करती। सच बोलने वाले को कौन पूछता है? दो जवाब। सच बोलने वाले को तुम्हारी तरह स्वांग रचाने की जरूरत नहीं पड़ती मिस्टर। अगर मैं सच बोलता तो आप यकीन कर लेती? ऑफ कोर्स, जरूर करती। तो अब कर लीजिए, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। क्या? मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। माय गॉड, देखो तुम अभी अभी यहाँ से चले जाओ। आइंदा मुझे अपनी मनुष्यत मत दिखाना। देखा, ये हुआ सच बोलने का नतीजा। जाता हूँ, मगर इतना याद रखिएगा कि किस्मत में मिलना लिखा होगा तो फिर मिलेंगे, जैसे दो बार मिल चुके हैं। चले जाओ। जाता हूँ, जाता हूँ। एक बात और, अब तक मैं हाफ टिकट हाफ मैच, अब अगर कभी मिले तो फुल समझिएगा। मुन्ने को आपसे जो प्यार मिला वो मुन्ना कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। Now get out! बड़ी आई दरवाजी। Just a minute, my dear boy. यहाँ पे रजनी नाम की लड़की रहती है। देखिए, आजकल सच बोलने का जमाना नहीं। मैं समझती अपने आप। क्या? मेरा मतलब है, अगर मैं आपसे कह दूं कि रजनी इसी फ्लैट में रहती है, तो आप यकीन कर लेंगी? Of course, my dear boy. तुम्हारी बातों का नहीं, तुम्हारा खुलिया देखकर। क्या नाम है उसका? किसका? अच्छा, तो तुझे पता नहीं कि मुझे पता चल गया है। वैसे देखने में बुरा तो नहीं है लड़का। कौन सा लड़का? कैसी बातें कर रही हो आंटी? अभी अभी एक लड़का यहाँ से गया है। ओ मुन्ना, वो तो पागल है। अब वो लड़का ही क्या जो लड़की के लिए पागल ना हो। मुन्ना, मैंने भी एक लड़के का नाम प्यार से चुन्नू रखा था 30 साल पहले। आंटी देख, मैं तेरी उसकी शादी करा देती हूँ। अगर मौका हाथ से निकल गया तो तेरा हाल भी मेरे जैसा हो जाएगा। आंटी तुम तो आते ही मेरे पीछे पड़ गई। चलो नहा धो लो पहले। I'm a roving gambler, I gamble all the way. La 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 la. अभी तक बस नहीं आई क्या? आती होगी। माचिस माचिस माचिस, मेरे माचिस की दीदी दी 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 तुम मेरे पीछे गरम पानी में हाथ धोकर क्यों पड़े हो? बड़े अनजान बनते हो। निकल भाई, सीना चपटी। बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प, बचाओ पुलिस। दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया,
होय होय वो तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया होय ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया होय 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 ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया मेरी गली आते हो क्यों बार बार छेड़ छेड़ जाते हो क्यों दिल के तार हो सैया बसैया बसैया पढ़ू तोरे पैया मेरी गली आते हो क्यों बार बार छेड़ छेड़ जाते हो क्यों दिल के तार क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हो गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय 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 नटखट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर बचाओ ओ मुए ओ मुर्गे ओ कौवे पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ ओ गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया होय होय ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया याद रखिएगा कि किस्मत में मिलना लिखा होगा तो फिर मिलेंगे अब तक मैं हाफ टिकट हाफ मैच और हाफ मैन अब अगर कभी मिले तो फुल समझिएगा मुन्ने को आपसे जो प्यार मिला वो मुन्ना कभी नहीं भूलेगा मुन्ना आंटी मामला यहाँ तक क्या कैसा मामला तेरे दिल का मैं तो कहती हूँ तू फौरन मुन्ना से शादी कर ले आंटी तुम्हें शादी के सिवा कभी दूसरी बात भी सोचती हो अरे सोचते सोचते तो 30 साल निकल गए खैर मेरी तो हुई नहीं पर तेरी शादी जरूर करवा कर दूंगी जा मुन्ना को बुलाना और कहना कि आंटी मिलना चाहती है मुझे मुन्ना का पता ही नहीं मालूम अकेले में जिसके नाम की माला जपती है उसका पता ही नहीं मालूम देख आशा जब तक तू मुन्ना को नहीं बुला के लाएगी मैं खाना नहीं खाऊंगी वेरी गुड आप थोड़ी सी दुबली हो जाएंगी ये जी रिकॉर्डर वापस आ गया जी 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 उनको पसंद नहीं आया अच्छा इसे चेक करके रख दो यस सर और देखो मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ यस सर चॉकलेट देखो मैं धोखा दे दिया मालूम होता है कि उसने अपनी हीरा कहीं छुपा कर रखा हुआ इस कमबख्त ने तो हमें परेशान कर दिया कितनी तकलीफ से तुम जबलपुर से हीरा लाए पुलिस की आंखों में धूल झोंकी माफ कीजिए मेरा हाथ चाचा हीरा कहाँ है हीरा वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हीरा कहाँ है रुको मत निकालो क्या निकालूं मुझे तुम्हारे ही पॉकेट में ठहरो निकालता हूँ ये लो मालूम है तुम सीधी तरह
नहीं रोकेगा, मगर आवाज की तो गोली मार दूंगा। चल मेरे साथ, चलो। मशान में ब्राह्मण तो जरूर है, तो वहाँ पूजा पान करना मन करता है। हाँ हाँ, तुम क्या लोगे? हम 5 रुपए लेगा जी। नहीं 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 नहीं, तो तुम क्या लेगा जी? आठ आना। अयो आठ आना, अच्छा चलेगा जी, आठ आना, आठ आने पे आएगा हम। बेचारी सर्दी थी, भगवान ने इसे उठा लिया। शुरू कीजिए पंडित जी। आइए यो, आप भी शुरू करते हैं। शुरू करो, हमारे मंत्र तो देर नहीं लगता। विष्णु मा सत्य पार्वणे माते पंच माती तो कर्मणि। अयो माचिस ने रखा तो कहाँ गया माचिस? माचिस ये रही पंडित जी। जान बची और लाखों पाए घर के बुद्धू को आए। जान बची और जान बची, जो जो क्या रे केला खाओगे? चाचा देखिए, फिर मुलाकात हो ही गई। आप तो पारी भतीजा कहाँ है? क्यों चाचा जो हाजिर है, कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ। तुम चाचा का पागल भतीजा, यानी कि तुम्हारा मुन्ना। तुम मेरी गाड़ी में कैसे आए? ये मत पूछो, अगर मैं सच कह दूंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। ये समझ लो कि किस्मत ने हमें मिला दिया। क्यों मिलना चाहती थी? तुम मेरा काम करोगे? नहीं करूंगा। तुमने मुझे घर से क्यों निकाला? अगर मैं तुम्हें घर वापस ले चलूं तो तुम जो कहोगी वो करूंगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। अरे तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद होने वाली है, मेरी जिंदगी तो खत्म होने वाली है। उस चाचा का पिस्तौल चल जाता तो अपना तो फुल टिकट कट जाता। फिर पागलपन का दौरा पड़ गया तुम्हें। सुनो, बोलो। मेरी एक आंटी आई हुई है यहाँ, उस तीसल वाली। हाँ हाँ हाँ, उनके सामने तुम्हें मेरे साथ प्यार की एक्टिंग करनी होगी। नहीं नहीं नहीं, एक्टिंग तुम करना, प्यार मैं करूंगा। क्या बकते हो, सिर्फ आंटी को टालने के लिए मैं ये नाटक खेलना चाहती हूँ, समझे? और बाद में तुम मुझे भी टाल दोगी। मदद करनी है करो, नहीं तो मैं एक शर्त पर। क्या? कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने घर में रहने दो, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है। वंडरफुल, ऐसा लगता है जैसे अपने बाप का घर है। इसे है? अपना ही घर समझो माय डियर। कौन बोला? ओह नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आखिर तुम आ ही गए हैं। मैंने आशा से कितनी बार कहा कि तुम्हें यहाँ लाए। आशा से? तो क्या इनका नाम? वाह, तुमने इसे भी अपना असली नाम नहीं बताया। अच्छा, तो रजनी इनका नकली नाम था। जी हाँ, अब आप भी अपना असली नाम जरा आंटी को बता दीजिए। वो तो मैं तुम्हें भी बता देता, मगर
बात दरअसल ये आंटी कि वो नाम कुछ कुछ ऐसा है कि वो आंटी आप मुझे मुन्ना ही कहिए। ओह माय डियर बॉय, मुन्ना भी कोई नाम हुआ है, अपना नाम बताओ ना। अगर आप जिद करती हैं तो फिर बताना ही पड़ेगा। बता दूं? हाँ बताओ ना। प्राणनाथ। फिर मैं तो तुम्हें मुन्ना ही कह के पुकारूंगी। मैंने क्या कहा था? ये नाम आशा के लिए ठीक है। माय डियर बॉय, आज तुम्हें खाना यही खा के जाना होगा। जाना किसे आंटी? आशा ने कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए यही रह जाऊं। अच्छा, मुझे कहती थी कि मुझे उसका नाम भी मालूम नहीं और पता भी मालूम नहीं। आंटी, आज मैं अपने हाथ से खाना बनाऊंगी और ऐसा खाना बनाऊंगी कि खा के याद करोगे। माय डियर क्या कहा? अरे मेरा मतलब है आंटी क्या सबको माय डियर कहती है? नहीं, सिर्फ लड़कों को। लड़कों को तो तुम भी कहा करो ना, सुनने में बड़ा मीठा लगता है। शट अप, इससे तो अच्छा मैं पागल ही था, तुम्हारी गोद में सर रखकर सोता था। तुम मेरी हर बात मानती थी, मुझसे कितना प्यार करती। साइलेंस। उस वक्त तुम छोटे बच्चे होते थे और पागल भी होते थे, समझे? लेकिन अब तो मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ और पहले से कहीं ज्यादा पागल हो गया हूँ। इधर आओ। मैं? हे भगवान, तूने मेरी सुन ली? बिल्कुल सुन ली। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ एक्टिंग करने के लिए लाई हूँ माय डियर, समझे? एक्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ मेरी प्यारी आशा। तो मुझे पागल कर दोगे? कब तक बोलो, छुपी रहोगी? ओ मेरी आशा, मैंने पढ़ ली तुम्हारे तुम्हारे नैनों की भाषा। यस माय जूलियट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये सब क्या हो रहा है? इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी। जबरदस्त तैयारी हो रही है। फांसी का फंदा, जहर की इतनी छोटी शीशी। बाप रे, इतनी बड़ी छुरी! मैं आपके पागलपन की वजह जान सकती हूँ? वजह तुम हो। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करने लगा हूँ, इस दुनिया में मेरे लिए खुदकुशी के सिवा और कोई चारा नहीं। खुदकुशी करने के लिए इतनी सारी चीजें क्यों? इसलिए कि पहले मैंने कभी खुदकुशी नहीं की। मान लो कि फांसी का फंदा मेरे गले को तकलीफ देने लगे तो यह जहर हाजिर है। अगर जहर मुझे कड़वा लगे तो यह छुरी हाजिर है। छुरी से बच के कहां जाऊंगा? दो जवाब। अरे बुद्धू, इन सब चीजों की क्या जरूरत? आसान से तरकीब बता देती हूँ। वो क्या? क्या तुम मेरा मजा रही हो? ऑल राइट, तुम देखती जाओ, मैं मर खाता हूँ। मैं कल अखबार में पढ़ लूंगी। रिहर्सल माय डियर। घबराओ मत, मुझे बड़ा फायदा हुआ। चलो हटो, आइंदा मुझे इस तरह डराने की कोशिश न करना। तो फिर वादा करो कि जल्दी से जल्दी मेरे ब्याह के बंधन में बच जाओगी। आंटी, इतने गहने किसके लिए? तुम्हारे लिए माय डियर बॉय। मेरे लिए? अरे मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ जो गहने पहनूंगा। ओह नो माय डियर, ये आशा को दे देना अपनी तरफ से। ये दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो।
को तेरी ही आरजू, दिल को तेरी ही आरजू, दिल के शीशे में तू ही तू, मेरी आरजू दिल में है तू, तेरी आरजू दिल में है तू, मैं न रहा मैं तू नहीं तू, उल्फत कर गई मंत्र छू, आंखों में तुम देव तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो, हर मानो के न मानो। कब से ये दिल दिल तुम्हारा ये राज दिल, तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। बेखबर हम जमाने से बेखबर, हम कहां दिल गया किधर, किसे है खबर दिल है किधर, हाय 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 ओ, किसे है खबर दिल है किधर, उल्फत का लो देखो असर, हम आंगन में दिल छत पर, आंखों में तुम दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो, अरे मानो के न मानो। अरे कब से ये दिल दिल तुम्हारा ये राज दिल, तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। मुखड़ा देखो मैंने छोटी सी मुन्नी, मेरी छोटी सी मुन्नी, चलो तुम्हारा हाथ देखो। मैंने हाथ देखना भी आता है? अच्छा ये तो बताओ मेरी शादी कब होगी? ये क्या? एंगेजमेंट रिंग। एंगेजमेंट रिंग? अरे मगर ये तो लड़का लड़की को देता है। अरे मगर लड़का अगर बुद्धू हो तो लड़की क्या करे? क्या करे? ये कर, फिर चेक कर लो। लीले हम दोनों ही बेवकूफ। क्यों क्या हुआ? इसे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि वो मुन्ना उस रजनी के साथ मिला हुआ है। मगर हुआ क्या डार्लिंग? हुआ क्या, मैंने उसकी तलाश में सारा शहर छान मारा है और वो कमबख्त रजनी के घर में गुलछड़े उड़ा रहा है। मैं उसके घर भी नहीं जा सकता क्योंकि वो मुझे पहचानती। मगर मुझे तो नहीं पहचानती। यस तुम वहां जा सकती हो। सुनो मुन्ना ऊपर वाले कमरे में रहता है और उसके बाथरूम के साथ ही फायर एस्केप की सीढ़ी और वहां जाली। तुम्हें यकीन है कि हीरा अभी तक उसी के पास है? हाँ वरना वो मुझसे डरता क्यों? तुम किसी तरह भी आज रात को उसे बहला फुसला कर हीरे का उसे पता ले लो। पुलिस हीरे के पीछे है, बाद में देखना मुश्किल हो जाएगा। मुन्ना मामला कुछ आगे बढ़ा। कौन सा मामला है? तुम्हारा और आशा का आइडिया। मुझे उसने अंगूठी दी है। अच्छा हो तो बस फिर जल्दी से शादी कर डालो, रोमांस बहुत हो चुका, नहीं तो 30 साल पहले जैसे मेरे चुन्नू का दिल टूटा था। याकी, याकी। सुनो कुछ खबरें सुनाओ, किसके
शादी जमाई है? शादी किसी की नहीं, मुझे सिर्फ लाइसेंस है ना। हाँ हाँ, जिनके लड़के से पिताजी मेरी शादी करना चाहते थे। क्या हुआ उसे? अखबार में लिखा उनका लड़का घर छोड़ के भाग गया। लिखा है, बेटा विजय अपने बूढ़े बाप को माफ कर दो। विजय, मुझे तो इस नाम से ही नफरत। आगे लिखा है, जहाँ भी हो जैसे भी हो घर वापस आ जाओ। ठहरो ठहरो ठहरो, क्या नाम लिया? विजय। हाय, अच्छा अच्छा, समझ गई समझ गई। क्या समझी आंटी, क्या बात है? अब किस लिए कल की बात रे, कटे हाथी खुशी में रात रे, अब किस लिए? क्या हो गया इन्हें, क्या हुआ क्या? अरे वही जो इश्क में कभी कभी हो जाता है, एक पागलपन का दौरा। अगर जल्दी इलाज ना कराया तो हमेशा के लिए पागल हो सकता है। ये पागल वागल कुछ नहीं है, बनते हैं। तुम नहीं जानती आंटी। मैं नहीं जानती, 30 साल का तजुर्बा है। शायद आज मेरा चुन्नू भी पागल हो सड़कों पे कहीं भटक रहा होगा। ओ टॉपी रे, ओ टॉपी, ओ टॉपी, खटमल, खटमल की है ये बस्ती, मच्छर का ठिकाना। हाय हाय रे मेरी माँ, हाय हाय रे मेरी माँ, खटमल की है ये बस्ती, मच्छर का ठिकाना। आंटी, अलमारी में खटमल है। अरे अलमारी में नहीं, तेरे दिमाग में खटमल है। होगा होगा, जल्दी कर, जल्दी जा। अच्छा बुला रही है, जल्दी जा। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। दिल का एतबार क्या, क्या करोगे जी कल जो ये बदल बदल गया। दिल का एतबार क्या, क्या करोगे जी कल जो ये बदल बदल गया। जुल्मी नजर कैसी निडर दिल चुरा लिया, जाने किस अजब से देश में बुला लिया। जुल्मी नजर कैसी निडर दिल चुरा लिया, जाने किस अजब से देश में बुला लिया। ये भी कोई दिल है क्या, जहाँ मौका मिला फिसल फिसल गया। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अरे अब तो दिल मचल मचल गया। दिल का एतबार क्या, क्या करोगे जी कल जो ये बदल बदल गया। सुनिए जरा मैंने कहा मत सताइए, अपने आप अपनी राह लौट जाइए। सुनिए जरा मैंने कहा मत सताइए, अपने आप अपनी राह लौट जाइए। ये वो राहें नहीं जिस पे चल के कोई संभल संभल गया। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अरे अब तो दिल मचल मचल गया। दिल का एतबार क्या, क्या करोगे जी कल जो ये बदल बदल गया। Da 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 da
बह के कदम अब तो सनम बाह थाम लो, अपनी नजर अपनी निगाहों से काम लो। बह के कदम अब तो सनम बाह थाम लो, अपनी नजर अपनी निगाहों से काम लो। आपका क्या गया भूल सा दिल मेरा कुचल कुचल गया, चांद रात तुम हो साथ क्या करे अरे अब तो दिल मचल मचल गया। दिल का एक बार क्या क्या करोगे जी कल तो ये बदल बदल गया। चंद्र सूर्य शनि गुरु मीना मकर तुला अष्टमी दिवस शुभ मंगल। वाह 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 वाह, इस महीने के 20 तारीख को जो शुभ मुहूर्त निकलता है वो कर नहीं सकता है जी। 20 तारीख? 20 तारीख तो बहुत दूर है माय डियर। मेरा मतलब है पंडित जी, आप जल्द से जल्द कोई मुहूर्त निकालिए, मैं आपको टिप दूंगी। आइए योर टिप क्या जी? मेरा मतलब है बख्शीश। नवमाशा राशि दशा मंगल भूत गुरु चंद्रमा की दशा बड़ी अच्छी है। श्री गणेश आयनमा दूसरा मुहूर्त तो माँ जी कल ही निकलता है सब। और ये भी नहीं कर सकता जी, आइए यो प्रभु की इच्छा न हो तो अवश्य कर सकता जी। 30 साल पहले मेरी शादी की भी तारीख निकली थी, कल गई। खैर छोड़िए पंडित जी, इन दोनों की शादी तो आप ही को करानी होगी। अवश्य अवश्य होगी जी, हमारा यही धर्म है सबकी शादी कराना। और एक मेरे को छोड़ तो हजारों की शादी करके छोड़ा तो प्रार्थना। अरे क्यों मेरा चरणों की दासी को ठुकराते हो, क्यों बार बार घर छोड़कर चले जाया करते हो? कहाँ है तू? जी मैं इनकी दीदी हूँ। हमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। देखा कल तक तो अच्छे बने थे, रात को कितने प्यार से मुझे ये अंगूठी दी थी। अच्छा समझ में आता कि ये अंगूठी तुम्हारी उंगली से मेरी उंगली में आकर इसकी उंगली में कैसे चली गई? मैं कुछ नहीं समझना चाहती। अच्छा तो तुमने मेरे पति को फिर खबर था कभी इनसे मिली तो? प्रार्थना अच्छा ये चार बार लड़की है। अच्छा मेरी बात तुम्हारे पास एक चांदी की डिबिया थी ना? कहाँ है वो? वो मेरी माँ की निशानी है, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने उसमें हीरा छुपाया था। ओ, उसके भीतर? कहाँ है वो? जहाँ से वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। लिली जरा सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोकना। अच्छा क्यों, क्या करोगे? तुम्हें गोली मारूंगा। मार दो तुम्हें शायद मालूम नहीं जिस दिन मैं टेप रिकॉर्डर मशीन तुम दोनों के घर ले गया था तो मैंने तुम दोनों की बातचीत रिकॉर्ड कर ली, वो मेरे पास है। बोलो। तब तो तुम्हें मारना और भी हो गया है। वो क्यों? वो इसलिए कि ना तुम जिंदा रहोगे और ना कोई उस सबूत से फायदा उठा सकेगा। नहीं राजा, हीरे की वजह से पुलिस पहले ही हमारे पीछे है, इसको मार देंगे तो खतरा और भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसे अगर जिंदा छोड़ दिया तब? लेकिन एक आइडिया, यही उतार दीजिए, मैं खुदकुशी कर लूंगा। राजा एक तरकीब और है जिससे इसको मारना भी नहीं पड़ेगा और ये हमारा नुकसान भी नहीं कर सकेगा। ये समझदार है। और क्या कहते हैं? यही कि मैं न जाने कौन से राजा बाबू के साथ मिलकर उनकी जान देना चाहती हूँ। अच्छा। और हाँ कहते हैं कि वो आदमी राजा को भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा। न जाने किस आदमी की बात करते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा तो फिर क्या डॉक्टर साहब? मैंने कहा ना वो जबरदस्ती मेरी बीवी बन गई है। करेक्ट। और वो तुम्हारा चाचा? कौन चाचा? अरे डॉक्टर साहब वो चाचा मेरा चाचा नहीं है। अच्छा हाँ। वो तुमसे कुछ कहता था क्या? हाँ वो कहता था मैं राजा को भिखारी बना सकता हूँ और भिखारी को राजा। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं और भी कुछ कहता था? हाँ उसने मुझे पिस्तौल दिखाकर कहा कि तुम जिंदा हो मैं तुम्हें मुर्दा बना सकता हूँ, मुर्दा। पिस्तौल दिखाया? हाँ। कॉम्प्लेक्स? कुछ नहीं, बड़ा खराब आदमी है। बहुत ही खराब, उसके साथ वो औरत भी खराब, यानी कि दोनों के दोनों ही खराब। तो रास्ता मैं जाऊँ वो दोनों मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए। मैंने उन्हें कितनी बार कहा कि मेरे पास कोई हीरा वीरा नहीं है फिर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ते। हाँ। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया। डॉक्टर साहब अब तो आप यकीन हो गया कि मैं पागल नहीं हूँ?
बिल्कुल यकीन हो गया। मैं जा सकता हूँ? जरूर जरूर जाओ। हुर्रे हुर्रे हुर्रे। हेलो हेलो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, मगर इसकी क्या जरूरत थी? डॉक्टर साहब नहीं हूँ। ले जाओ डॉक्टर, चले जाओ डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कहता हूँ मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। क्या पागल कहेंगे? अरे तू रो रही है क्या? हाँ जी, उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। गलत, बिल्कुल गलत। वो लड़का कभी धोखा नहीं दे सकता। 30 साल से मेरी आंखें सिर्फ लड़कों पे लगी हुई हैं। इसमें जरूर कोई राज है। मेरे ख्याल से इस राज का पता इवनिंग इन पेरिस इस खत से मिलेगा। खत? आशा दीदी, क्या लिखा है जिम बॉय ने? सुनो आशा देवी, आपके यहाँ जो लड़का आकर ठहरा था वो एक मशहूर हीरे जवाहरातों का चोर है। उसके पास एक चांदी की डिबिया है जिसमें 2 लाख का चोरी किया हुआ हीरा है। अगर आपको वो हीरा मिला हो तो फौरन उसे पुलिस स्टेशन ले जाइए, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। आपका एक हमदर्द। चांदी की डिबिया तो उसने मुझे दिखाई थी, कहा था ये उसकी माँ की निशानी है। धोखेबाज चोर कहीं का। आशा आंटी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अच्छा अच्छा तू आराम कर, मैं जाती हूँ। आशा, मुझे जबरदस्ती फंसाया गया है, तुम मेरी मदद करो। हाँ हाँ जरूर करूंगी तुम्हारी मदद, तुम्हें पागल खाने से निकाल के जेल खाने में पहुंचा दूंगी। आशा मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उस लड़की को जानता तक नहीं। मैं लड़की वड़की की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस हीरे की बात कर रही हूँ जो तुम हमारे घर में छुपा गए हो। हीरा? तुम उस हीरे की बात कर रही हो जिसे मैंने अभी तक देखा ही नहीं? आशा मेरी सुनो तो, तुम मेरी मदद करो। आशा 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 मेरी मदद करो। आशा अरे आशा, मुझे इन पागलों से जुड़ाओ, तुम पागल हो जाऊंगा। हेलो हेलो मुन्ना, क्या हो गया? हेलो, लो वो आ रही है। की निशानी है। और ये हीरा? हीरा? तब तो राजा बाबू ठीक ही कहता था। आशा तुम मुझे किसी भी तरह बाहर निकालो, मैं ये साबित कर दूंगा कि ये हीरा राजा बाबू ने चुराया है। कैसे? कैसे? टेप रिकॉर्डर की मदद से। टेप रिकॉर्डर की मदद से? हाँ, मैंने राजा बाबू और शैतान लड़की की बातचीत रिकॉर्ड कर ली है।
मैडम आपका टाइम हो गया, आप मेहरबानी करके जाइए। अच्छा मुन्ना। आशा तुम मुझे इस पागल खाने से बाहर निकालो या तो तुम अंदर आ जाओ। ए, जाओ अंदर। आशा आशा मेरी आशा आशा। इसे कैसे पता चला कि मुन्ना यहाँ है? आप ऐसा कीजिए, सिर्फ एक दिन के लिए उसे मेरे साथ जाने दीजिए, मैं आपको इस बात का प्रूफ ला दूंगी कि वो पागल नहीं है। जरूरत नहीं है, जब उसकी बीवी उसे यहाँ लाओ। आग लग गई। अरे फायर ब्रिगेड को खबर किया? जी हाँ, खबर कर दिया, होता ही होगा। अरे अरे सब काले लोगों को बाहर निकालो। सलामती चाहती हो तो वहीरा मेरे हवाले कर दो। Thank you.
मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? कहाँ हीरा? जहन्नुम में। अब तुम भी वहीं जाने वाले हो। कैसे? देख, ये देखो। अगर 3 सेकंड में तुमने हीरा मुझे नहीं दिया तो मैं चाकू मार दूंगा। मार दो चाकू। चाकू लगते ही मैं रस्सी छोड़ दूंगा और हम दोनों धड़ाम से नीचे जा गिरेंगे। दो जवाब। एक, दो। ठहरो, जरा सोच लूं। अब गिनो। एक, दो, तीन। निकाल लो। कहां है? उसी जेब में, जिस जेब के पीछे तुम दिनों महीनों बरसों से पड़े हुए हो। सोचो सोचो आइडिया। एक काम करो, तुम कूद जाओ, मैं लटका रहता हूँ। रघुनाथ, तो फिर लटके रहो। बाबरे, अब कैसे उतरे? नीचे उतर कर जेल में सड़ने गिरा मैं मरना बेहतर समझता हूँ। तुम मरो, मैं चला। ठीक है बाबू, मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ और ये नीचे जा रहा है। चाचा, अब कि मैं जो तुम्हारे पीछे हूँ। हम यहाँ कैसे? जहाँ चाचा वहाँ भतीजा। थैंक यू। चौपाटी आ जाए तो खबर कर देना। चाचा चाचा, वो 2 लाख का हीरा कहाँ है? हाथ हटाओ। क्या देखना, जब तुम आसमान से जमीन पर गिरोगे तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। और फिर जब तुम्हारी जेब से 2 लाख का हीरा निकलेगा तो कचहरी की तरफ से 7 साल की बामुनक्का बाशरबत बामुशक्कत। वही वही बामुशक्कत कैद होगी। और बकवास बंद करो, नहीं तो तुम्हें चांद से मार दूंगा। समझे? कैद नहीं, 7 साल की फांसी होगी। हेलो हेलो मुन्ना मुन्ना। कौन कौन आंटी? तुम कहाँ हो मुन्ना? जमीन से 3000 फुट ऊपर अपने चाचा के साथ। ऊपर नीचे आने की कोशिश करो मुन्ना। करता हूँ, चाचा के स्वागत का पूरा पूरा बंदोबस्त किया है ना। ओवर नहीं चाचा, जाओ जाओ। नहीं चाचा,
आ गया और उन पेट्रोल पंप से ले लो। शर आपको कहाँ जा रहे हो चाचा? अकेले छोड़कर साथ पिएंगे साथ मरेंगे। चाचा चाचा Thank you.